अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, ये वीडियो देखें ज़रा और इससे अंदाज़ा लगा लें। मैंने तो लगा लिया है, मुझे तो पहले भी पता था, ये आप लोगों की तसल्ली के लिए है कि ये हमारे मोहतरम मौलाना अलियास कादरी साहब, इनकी जमात का, ये इनके फिरके का दीन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक ख़त्म हो जाता है, ये यहाँ से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप पहले वीडियो देखें, बाद में इस पर करते हैं ज़रा तबसरा थोड़ा सा। सारे मेरे मदनी बेटे मदनी बेटियां ये जहन बना ले कि सरकारे आला हज़रत रहमतुल्लाह की तहकीकात पर अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने, और अगर कोई घोड़े दौड़ाने वाला मिले उसके पीछे जाना नहीं है। आला हज़रत फिकी मसाइल हो, एतकादियात हो, जो भी हो, आला हज़रत की तहकीकात हमारे लिए हर्फ आखिर है और ये पहचान है हमारी। जो आला हज़रत रहमतुल्लाह का हम जिक्र खैर करें, जिसका चेहरा बशाशत चेहरे पर नजर आए, चेहरा खिल उठे खुशी से, बस वो अपना है। बाकी हम भले, मेरा रजा भला। अब यहाँ पर आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि इनका दीन कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। क्या आला हज़रत कोई ऐसी शख्सियत थे जिनसे कोई गलती नहीं हो सकती? हालांकि हम सबको पता है कि जो हमारी दुनिया में यहाँ पर जो मासूम जाते हैं वो सिर्फ़ अंबिया अलैहिस्सलाम की हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम किसी के बारे में ये क्लेम नहीं कर सकते कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती या उनकी हर बात हम मान लें। हम किसी के बारे में क्लेम नहीं कर सकते। और यहाँ तो हमें यह भी नहीं पता कि आला हज़रत की जो लिखी हुई किताबें हैं, जो उनकी बातें हैं, उनमें कोई रद्दोबदल हुआ है या फिर वैसी की वैसी हैं। उनकी बातें बिल्कुल ठीक भी हों तो हम ये यकीन क्यों करें कि उनकी बातें 100% दुरुस्त हैं? भाई बेशुमार उनकी बातें जो कुरान हदीस से टकराती हैं, तो उन पर कैसे हम लोग यकीन कर दें? यही मसला है इन लोगों का कि ये बस ना अपने बुज़ुर्गों की पैरवी से बाहर नहीं निकलते। यही इन लोगों का मसला है, ये बस जो इनके बड़े ने कह दिया ना, ये उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। इन्हें कुरान और हदीस से कोई लेना देना है ही नहीं है।